हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल्स लेकर आया हूं आपके लिए कि आप कैसे 2022 में A4 पेपर्स का बिजनेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, A4 पेपर्स का बिजनेस यानी कि प्रिंटिंग पेपर्स का जो बिजनेस है वो इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और आप कहीं भी चले जाइए, आपने देखा होगा प्रिंटिंग पेपर्स यानी कि A4 पेपर्स की जरूरत हर जगह पड़ती है, हर एक शॉप में इसकी जरूरत है। आप स्कूल में देख लीजिए, कॉलेज में देख लीजिए, जेरोक्स करने वाली जो दुकानें होती हैं उन सब में जेरोक्स वाले पेपर यानी कि A4 साइज पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। सो आप कैसे A4 साइज पेपर्स का बिजनेस कर सकते हैं, इंपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं A4 पेपर्स को, सो कौन-कौन सी सावधानियों को आपको बरतना होगा, क्योंकि थाईलैंड में बहुत ज्यादा स्कैम के बारे में आपको बताया जा रहा है। काफी वीडियोस में इसके बारे में चर्चा की हुई है, बट मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूं कि अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं A4 साइज के पेपर्स तो आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना है और स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भैया ट्रेड एग्रीमेंट में थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो अगर आप 2022 में A4 पेपर्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको वो चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, A4 पेपर्स के आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका बजट बहुत ज्यादा चाहिए। सो हम इसके ऊपर बात नहीं करने वाले, बट फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट पार्ट में जरूर बताऊंगा कि अगर आप A4 पेपर्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी और इन्वेस्ट आपको कितना करना पड़ेगा उसके लिए। बट ये चीज मैं अभी बता दे रहा हूं कि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, बट यहां पर आपका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। बट इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी किसी बिजनेस को करने के बहुत तरीके होते हैं। सो उन सारे तरीके पे हम बात करेंगे कि आप कैसे इस बिजनेस की होलसेलिंग कर सकते हैं, कैसे आप रिटेल में सेल कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको बताने वाला हूं और कितना प्रॉफिट आप इससे कमा सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, पेपर का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें आप 50-60% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, बट आपका तरीका जो है बिजनेस करने का वो सही होना चाहिए, फिर आप डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। और साथ ही मैं आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप इस बिजनेस को बहुत कम पूंजी लगाकर शुरू कर सकते हैं, इनफैक्ट 15,000 से 20,000 रुपए में आप कैसे इस बिजनेस को शुरुआत करेंगे, शुरू करने के बाद धीरे धीरे आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, सारे तरीकों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे पॉइंट हम यहां पर कवर करने वाले हैं। सो मेहरबानी करके वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अगर उसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो सो आप सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेहरबानी करके वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप पेपर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए अगर आप A4 साइज के पेपर में बिजनेस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पेपर की क्वालिटी को GSM में कैलकुलेट किया जाता है यानी कि ग्राम पर स्क्वायर मीटर। अब इसका मतलब है कि एक पर स्क्वायर मीटर में कितने वेट है उसका और कितने मोटा पेपर है। अब देखिए, पेपर की क्वालिटी आप जाहिर सी बात, अगर आपके हाथ में मैं कोई पेपर पकड़ाऊंगा तो आप उसकी क्वालिटी कैसे जज करेंगे, आप उसका पेपर को कितना वो थिक है कितना वो थिन है इसको चेक करेंगे, कितना मोटा है कितना पतला है, और उसको आप इस तरीके से हाथ से जब उसको रब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर की क्वालिटी कैसी है। बट दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ GSM से ही आप पेपर की क्वालिटी को जज नहीं कर सकते, पेपर का जो कलर होता है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर पेपर का कलर थोड़ा सा व्हाइटिश से शेड हो रहा है यानी कि थोड़ा सा ग्रेइश पर में है तो वो पेपर की क्वालिटी सही नहीं होती है। सो हो सकता है कि वो GSM में थोड़ा ज्यादा हो बट उसके पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी अगर उसका कलर एकदम व्हाइट नहीं है तो। इसके अलावा दोस्तों, सबसे ज्यादा बिकने वाला जो पेपर होता है वो 75-80 GSM होता है। आपको काफी सारे GSM में मिल जाएंगे, आपको 68 GSM का पेपर भी मिल जाएगा, आपको 70 मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा, 80 GSM का भी मिल जाएगा और 100 GSM का भी मिल जाएगा। बट अगर आप A4 पेपर्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको देखिए 68 GSM का जो पेपर होता है वो सस्ता मिल जाएगा, बट उसकी क्वालिटी थोड़ी सी सही नहीं होती है। सो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के साथ काम करना चाहते हैं तो आप 75-80 GSM के पेपर को कंसिडर करिए। आपको आंख बंद करके 75 GSM का पेपर खरीदना या फिर आपको 80 GSM का पेपर खरीदना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को होलसेल में करना चाहते हैं यानी कि आप होलसेलर बनना चाहते हैं, सो यहां पर आपको क्या करना होगा, इंडिया में जो इंपोर्टर्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट करना होगा और उनसे बल्क में आपको माल खरीदना पड़ेगा। आप उसके लिए आपको एक छोटे से गोडाउन की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी और गोडाउन में आपको वो जो रैक्स होती हैं लोहे की या लकड़ी की, आपको रैक्स लगवानी पड़ेंगी, वो आपको फ्लोर पर भी लगानी पड़ेंगी और इस तरीके से आपको वॉल्स के साथ भी लगानी पड़ेंगी ताकि आप अपने A4 साइज के जो भी रिम्स हैं उनको स्टोर कर पाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको जो पेपर्स हैं इसको आपको पानी से, सीलन से और चूहों से, इन तीन से तो डेफिनेटली बचाना ही होगा। सो आपके जो फ्लोर है आपको डायरेक्टली फ्लोर पे नहीं रखना है, आपको दीवार के साथ उनको जोड़ के नहीं रखना है, और साथ ही में आपका जो भी गोडाउन है उसमें चूहों के आने जाने की जो भी है जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर आप रिटेल में इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपके सिटी में, आपके एरिया में जो भी बड़ा होलसेलर हो आपको डायरेक्टली उस होलसेलर से कॉन्टेक्ट करना है और उससे 15,000 से 20,000 रुपए मैक्सिमम का सामान उठाना है और उसको फिर सेल करना शुरू करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप दुकान नहीं
ले सकते हैं, आप शॉप लेकर नहीं बैठ सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक तरीका है कि आप अपने सिटी या एरिया के जो होलसेलर है उनसे कॉन्टेक्ट करिए, उनसे बात करिए कि मैं ऐसे ऐसे इस बिजनेस को शुरू करने वाला हूं। देखिए आपने MR का नाम सुना होगा, जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो दवाइयों को दुकानों में जा जाकर बेचते हैं, है ना। किसी भी कंपनी का जो कोई नई मेडिसिन लॉन्च हुई है तो उस मेडिसिन के बारे में बताते हैं, शॉप्स में जाकर उनको बेचते हैं। सो आपको यहां पर MR की तरह काम नहीं करना है, आपको क्या करना है, आप कुछ मत करिए, आप होलसेलर से बल्क में ले लीजिए, अपने घर में उनको रख लीजिए रिम्स को, और उसके बाद आपको क्या करना है, आप स्कूल में चले जाइए, आप कॉलेज में चले जाइए, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाइए। इसके अलावा जो स्टेशनरी की शॉप होती है, इसके अलावा जो प्रिंटिंग की शॉप्स होती है, जेरोक्स करने वाली जो दुकानें होती हैं, आप उनमें जाइए, अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए और उनको रिम बेचने की कोशिश करिए। अगर वहां पर उन्होंने आपका एक दो रिम भी आज की डेट में खरीद लिया ना, सो हो सकता है कि वो आपको बल्क में ऑर्डर दे। देखिए आपने अगर अपनी सिटी के 4-5 बड़े हॉस्पिटल भी पकड़ लिए ना, सो आप एक अच्छा प्रॉफिट यहां से कमा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं करना है, आपको किसी तरीके की पैकेजिंग नहीं करनी है, कोई हेडेक आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है, सिंपली होलसेलर के पास विजिट करना है, अपनी गाड़ी भरकर माल को लेकर आना, अपने घर पे रख लेना है, और उसके बाद जैसे ही आपके पास फोन में ऑर्डर आ रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में ऑर्डर आ गया कि भैया 20 रिम्स पहुंचा दीजिए, किसी स्टेशनरी की शॉप में ऑर्डर आ गया कि भैया 10 रिम पहुंचा दीजिए, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ऑर्डर बहुत बल्क क्वांटिटी में ही आपको मिलेंगे। यहां पर आप देखिए किसी की दुकान है, बेसिकली जो रिम्स है वो दुकानों में ज्यादा यूज होते हैं, जो प्रिंटिंग वाली शॉप्स होती हैं, सो वहां पर उनके एक एक रिम, एक एक दिन में दो दो रिम जो, और ज्यादा चलने वाली दुकानों में तो 10-10 रिम एक दिन में निकल जाते हैं। सो आपको बल्क में ऑर्डर मिलेंगे, तो यहां पर आपका जो मार्जिन है वो, अगर आप एक रिम में भी 20-25 रुपए कमाते हो तो आप सोच लीजिए अगर आप दिन के 100 रिम बेचते तो आप कितना पैसा कमा लेंगे। बट यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियरली बता दूं, देखिए शुरुआत में आप 25-30 रुपए एक्सपेक्ट मत करिए एक रिम में, क्योंकि यहां पर शुरुआत में हो सकता है कि आपको 5-10 रुपए बचेंगे एक रिम में, लेकिन धीरे 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 आपका जब काम बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी बल्क बाइंग क्वांटिटी भी बढ़ेगी जब आप बल्क में खरीदेंगे। पहले आप भैया हो सकता है कि होलसेलर से आप 100 रिम एक बार में खरीद रहे हैं, और उसके बाद जब आपकी बिक्री ज्यादा होने लगे, आप हॉस्पिटल्स को टारगेट कर लें, आप बड़ी बड़ी शॉप्स को और बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं उनको टारगेट कर लें, और वहां से आपको बल्क में ऑर्डर मिल रहे हैं, तो फिर आप हो सकता है कि 2-2 टन 2-3-3 टन आप जो है रिम उठा रहे हैं। सो वहां पर आपका जो मार्जिन है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपको पर रिम जो कॉस्ट है वो कम पड़ने लगेगी, और फिर आपका सेलिंग प्राइस सेम रहेगा तो फिर जो मार्जिन है बीच का वो आपको ज्यादा मिलने लगेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपके पास A4 साइज के जो पेपर्स होते हैं, इनके बिजनेस को करने के और भी बहुत सारे तरीके देखिए। सो आप इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आपका बजट ज्यादा है तो, क्योंकि इंपोर्ट में कुछ एक लाइसेंस लगते हैं, कुछ एक फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ती है, बट यहां पर ऐसा नहीं है कि बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, डेफिनेटली आप बहुत आसानी के साथ में इंपोर्ट कर सकते हैं, बट कुछ एक लाइसेंस आपको चाहिए होता है। अगर मैं स्क्रीन पर आपको कुछ एक लाइसेंस दिखाऊं तो देखिए, आपको सबसे पहला किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को करने के लिए, चाहे आप किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करिए चाहे एक्सपोर्ट करिए, आपको एक IEC लाइसेंस चाहिए होता है, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसके अलावा आपके पास GST नंबर यहां पर होना कंपलसरी है, सो आपको एक GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो भी आपकी इनवॉइस होती है A4 पेपर्स की, वो इनवॉइस की कॉपी यहां पर लगती है। इसके अलावा PO लगता है, यानी कि परचेज ऑर्डर की कॉपी लगती है, और इसके अलावा आपका LC लगता है, लेटर ऑफ क्रेडिट की कॉपी लगती है अगर आप क्रेडिट में ले रहे हैं माल को। इसके अलावा आपको बिल ऑफ एंट्री लगवानी पड़ती है और टेस्टिंग रिपोर्ट आपको लगानी पड़ती है। इसके अलावा भी छोटी मोटी कुछ एक फॉर्मेलिटीज हो सकती है, कुछ एक लाइसेंस हो सकते हैं, जो आपके सिटी या कहां से आप उसको, मतलब कहां पर आप इंपोर्ट करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। साथ ही में दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ एक कंट्रीज की जहां से आप इसको इंपोर्ट करवा सकते हैं, तो देखिए काफी सारे लोगों के मन में थाईलैंड सबसे पहले आता है कि अगर A4 साइज के पेपर को इंपोर्ट करना है तो हम थाईलैंड से इंपोर्ट कर लेते हैं, बट यहां पे मैं आपका एक कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, कुछ टाइम पहले जो ट्रेड एग्रीमेंट था उसके तहत थाईलैंड से अगर आप पेपर को इंपोर्ट करवाते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ 12% की ट्रेड ड्यूटी देनी पड़ती थी, बट आज के डेट में वो चीज खत्म हो चुकी है और आपको भी अदर कंट्रीज के बराबर ही 28-35% तक की ट्रेड ड्यूटी यहां पर पे करनी पड़ेगी। सो पहले थाईलैंड से बहुत ज्यादा पेपर इंपोर्ट होता था इंडिया में, क्योंकि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट था इससे काफी बेनिफिट मिल जाता था। अब अदर कंट्रीज से अगर आप पेपर को इंपोर्ट करते थे पहले, सो वहां पर आपको 28-35% तक की ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, बट अगर आप थाईलैंड से इंपोर्ट करते तो वहां पर आपको सिर्फ 12% की ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से थाईलैंड से इंपोर्ट जो था इंडिया में A4 पेपर्स का वो बहुत ज्यादा रेज हुआ था, और इसी वजह से थाईलैंड में काफी ज्यादा स्कैम्स और फ्रॉड्स होने लगे, मतलब इंपोर्ट में। अब यहां पर आपको सबको पता होगा, जब कोई चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ती है तो वहां पर स्कैम एंड फ्रॉड्स भी आ जाते हैं, तो इसी तरीके से थाईलैंड में भी काफी सारी फेक इंडस्ट्रीज लिस्ट हो गई हैं काफी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे, जहां पर आपको 35-40 रुपए में एक रिम की कॉस्ट दिखाएंगे वो लोग, और अगर आप उनको पे कर देते हैं तो फिर वहां से आपका जो है सारी चीजें खत्म हो जाती है, और ना ही आपको वो ऑर्डर मिलने वाला है, और आपका पैसा मिट्टी हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है वहां से आपको कोई। अब आप एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपके कान हमेशा खड़े हो जाने चाहिए जब भी पैसे पे करने की बात आती है। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कहीं पर एडवांस पेमेंट की बात आती है तो आपके आंखें, मतलब आपके आंखें बहुत ज्यादा खुल जानी चाहिए और आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। मैं ये आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि देखिए
स्कैम की अगर हम बात करें, फ्रॉड की अगर हम बात करें, सो वो हर फील्ड है, हर फील्ड में है। क्योंकि अगर आप एक फ्रेंचाइजी भी लेने जाते हैं ना, तो वहां भी आपके साथ स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। हो सकता है कि एक फ्रेंचाइजी की जो फ्रेंचाइजी फीस हो वो 3 लाख रुपए हो, और वही फ्रेंचाइजी फीस वो कंपनी क्या करती है, किसी से 2.5 लाख भी ले लेती है और किसी से 3 लाख भी ले लेती है। सो इसीलिए स्कैम एंड फ्रॉड्स के बारे में नहीं सोचना अगर आपको बिजनेस करना है, बस आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और आपको ना डायरेक्टली अगर आप नए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, सो आपको खुद से इंपोर्ट करने की कोशिश करनी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इंडिया में जो इंपोर्टर्स हैं आप उनसे कॉन्टेक्ट करो और उनसे पहले माल लो, देखो वो किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उनके साथ बैठो, उनके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करो, और वहां से आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। फिर धीरे धीरे आप बिजनेस को अपने करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और 2-3 महीने के बिजनेस चलाने के बाद आपको जब कस्टमर भी मिल जाएंगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और उसके बाद आपको एक कंटेनर शिप करने में आसानी होगी, यानी कि कंटेनर आप इंपोर्ट कर पाएंगे। अब मैं अगर सिंपली बताऊं तो एक कंटेनर में 8,000 के आसपास के रिम्स आते हैं। अब आप समझ लीजिए 8,000 रिम्स को आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना बल्क अमाउंट बन रहा है, और उसके बाद कुछ एक ड्यूटीज के चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। सो अच्छा खासा पैसा आपको इसके लिए चाहिए। सो मैं नहीं कहूंगा कि आप पहले शुरुआत में इतना पैसा इन्वेस्ट कर दो और उसके बाद आपको फिर प्रॉब्लम आए बाद में। सो पहले आप कस्टमर बना लो मार्केट में, उसके बाद फिर आपको इंपोर्ट करने में एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रहेगा और आप आराम से इंपोर्ट कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों थाईलैंड के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनसे आप A4 साइज के पेपर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, बट थाईलैंड से आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं हो रहा है। आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है भैया इंडोनेशिया से। इसके अलावा भैया आप इंपोर्ट कर सकते हैं वियतनाम से, चाइना से, सिंगापुर से या फिर ब्राजील से। सो इन किसी भी इनमें से किसी भी कंट्री को आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको इंपोर्ट ही करना है, बट आप इंडोनेशिया को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि दोस्तों इंडोनेशिया बहुत ही बल्क क्वांटिटी में जो A4 साइज पेपर्स हैं उसको एक्सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें वेट की, तो यहां पर 13.2 लाख मैट्रिक टन A4 साइज पेपर्स हैं जिनको वो एक्सपोर्ट करता है। सो आप इसे समझ सकते हैं कि भैया कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया को आप कंसीडर करिए, या फिर आप वियतनाम को, ब्राजील को, और भी जितनी कंट्रीज मैंने आपको बताई हैं, आप किसी से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। बट थाईलैंड को आप थोड़ा सा बाद में सोचिएगा थाईलैंड के बारे में, क्योंकि थाईलैंड से अब इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं हो रहा। जब थाईलैंड में ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से 12% ड्यूटी लगती थी, तब सबसे ज्यादा थाईलैंड से इंपोर्ट किया जाता था, बट अब वो ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों जो अगला मेथड है इस बिजनेस को करने का, वो है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। आप A4 साइज की रिम्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं और मार्केट में उतार सकते हैं, बट इसमें भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा लगने वाला है। वीडियो को देखते रहिए, आपको बताने वाला हूं 10 से 15 हजार में आप कैसे इसको शुरू करेंगे। देखिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको कुछ एक लाइसेंस लेने पड़ते हैं, आपको GST लेना पड़ेगा, ट्रेड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और साथ ही में आपको अपनी फर्म को रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इन्वेस्टमेंट की आती है, क्योंकि यहां पर जो मशीन लगने वाली है आपकी, जो आपका जो रोल आता है, बेसिकली दोस्तों आपको रोल लेकर आना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ सकता है। बेसिकली जो रोल होता है A4 पेपर्स जो कट होते हैं, वो एक बड़ा रोल आता है जो कि 50 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इंडिया मार्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, आपको इंडिया में भी उसके जो सप्लायर्स हैं वो मिल जाएंगे, तो आप इंडिया में भी खरीद सकते हैं, उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो वो आपको जो बड़ा रोल मिलेगा पेपर्स का, उस पेपर के रोल को आपको एक मशीन में लगाना पड़ेगा, और ये बेसिकली मशीन जो होती है वो सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक में आती है। अब देखिए आपको वहां पर करना पड़ेगा, पहले मैं आपको इस मशीन का प्राइस बताता हूं। इस मशीन का जो प्राइस है वो 8 लाख के आसपास से शुरू हो जाता है सेमी ऑटोमेटिक का, और अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेने जाते हो तो 12.5 से लेकर 13 से 14 लाख के आसपास आती है। इसके अलावा इसमें जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें एक आपको पर्टिकुलर अच्छा खासा स्पेस चाहिए, क्योंकि मशीन काफी बड़ी साइज की होती है। यहां पर दो तरीके की मशीनें आपको मिलती हैं अगर आप सेमी ऑटोमेटिक में लेते हैं, एक होता है आपका बड़ा कटर और दूसरा होता है एक आपका जो पेपर ट्रिमर होता है। अब आपको बेसिकली अगर मैं बताऊं, सो जो बड़ा रोल आता है उससे एक पर्टिकुलर साइज में कुछ एक पेपर्स कटते रहेंगे और वो बड़ा बंच बनता रहेगा। उसके बाद आपको उस बंच को जो ट्रिमर टाइप होता है, जो स्मॉल कटर होता है, उससे कट करना पड़ेगा A4 साइज पेपर्स में, और उसके बाद फिर उसको पैकेजिंग करनी पड़ेगी और मार्केट में उतारना पड़ेगा। सो यहां पर अगर हम ऑन एन एवरेज मान के चले तो आपको 15 से 18 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शुरुआत में यह भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास बजट कम है और आप इस बिजनेस में नए हैं, तो आपको करना क्या है, आपको अपने सिटी के होलसेलर को पकड़ना है। अब या तो आप होलसेलर बन सकते हैं अगर आपके पास 5 से 10 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, या अगर आपके पास 2.5 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तब भी आप एक बड़े होलसेलर में बनकर काम कर सकते हैं, इससे कम में भी कर सकते हैं। बट मैं आपको कहूंगा अगर आपको बल्क में होलसेलिंग का काम ही करना है, तो आप एटलीस्ट थोड़ा सा ज्यादा स्टॉक उठाइए, ताकि आपको मार्जिन जो है सही मिल पाए, ताकि आप उसको जब आगे सप्लाई करें तो आपका मार्जिन ठीक ठाक वहां पर निकल पाए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आपके पास इतना भी बजट नहीं है, तो आप 15 से 20 हजार रुपए में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, वो सबसे सही मेथड है। आपको 20 हजार रुपए लेकर अपने सिटी के होलसेलर के पास जाना है, उससे बात करनी है, और भैया 20 हजार में जितने रेम आपको मिल पा रहे हैं उतने रेम आप उठा लो और अपना एक विजिटिंग कार्ड छपवा लो, और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, और जो भी प्रिंटिंग की शॉप्स होती हैं जेरोक्स करने वाली, आप उन सब में विजिट करो, अपने रिम का सैंपल दो और सैंपल का चार्ज उनसे ले लो, और साथ में अपना विजिटिंग कार्ड दे दो और उनको बता दो, और उनसे ना बातों बातों में पूछ भी लो कि सर आप जो रिम अभी ले रहे हैं वो कितना कॉस्ट आपको कर रहा है।
और उस रिम की कुछ एक कमियां बता दो कि अच्छा सर आप ये वाला ले रहे हैं, इसका तो भैया जीएसएम सही नहीं होता सर, इसकी प्रिंटिंग कुछ दिन बाद फेड होने लगती है, इसमें ये आपका जो पेपर है ये थिन है बहुत, काफी पतला है, इसमें ये प्रॉब्लम है, देखो ये आपको करना पड़ेगा। तो जब आप उसको उसकी कमियां बताएंगे तो आपके आप उसको अपने रिम की जो है आप जिस पेपर में डील कर रहे हैं उसके कुछ एक बेस्ट क्वालिटीज बता दो ताकि वो आपके पेपर के को लेने में इच्छुक हो जाए, और उसके बाद आप उसको जो प्राइस कोट करो वो भी पहले वाले के बराबर या उससे कम में करो, और उसके बाद उसको ये फैसिलिटी दोगे सर आप मेरे को बस ऑर्डर दीजिएगा मैं आपकी शॉप पर आकर ये देकर जाऊंगा। जब आपका काम चल जाए और आपको अच्छे खासे ऑर्डर मिलने लग जाए फिर आपके पास पैसा भी अच्छा खासा आने लग जाएगा और फिर आपको इन्वेस्ट करने में डर नहीं लगेगा। देखिए मेरे बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि सर मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं बट मैं इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे ये इस बात का डर लगता है कि क्या पता बिजनेस चला या नहीं चला सो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यार इंडिया में मेरे काफी सारे भाई हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत को जोड़ के रखा होता है कि वो फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाए, और काफी सारे मेरे भाई ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट ले सकते हैं बिजनेस का, तो अगर उनका पहला बिजनेस ही फ्लॉप हो जाएगा तो दूसरी बार वो हिम्मत ही नहीं करते हैं। सो मैं इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप पूरी रिसर्च करो, एनालिसिस करो, ग्राउंड रिपोर्ट लो, उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट करो। देखो आपको वीडियोस में सब लोग कह रहे हैं कि A4 साइज का बिजनेस करो, पेपर्स का, और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओ। मैं आपको यहां पर एक चीज और बता दूं, इस बिजनेस में कंपटीशन भी है, जितना ब्रॉड मार्केट है जितनी ज्यादा इस प्रोडक्ट की डिमांड है उतना ही ज्यादा कंपटीशन भी, आपको बहुत सारी कैटेगरीज के बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो A4 साइज के पेपर्स में काम करती है। सो आपको वहां से निकलकर कुछ अलग करना पड़ेगा, बड़ी कंपनीज है वो बहुत ज्यादा टारगेट नहीं कर पा रही है मार्केट को, सो आपको इस गैप को फिल करना होगा, आपको डायरेक्टली सर्विस ऐसी देनी है कि आपसे ही लोग A4 साइज के पेपर्स को लें। सो आप 10,000 से 20,000 रुपए में रिम्स को खरीदिए और जाकर बेचना शुरू करिए, जैसे एक MR अपना काम करता है यानी कि दवाइयों को बेचता है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने MR हायर कर रखे होते हैं, तो आपको किसी को हायर नहीं करना है, आपको खुद ही ये काम करना है, और जब आपका काम बढ़ जाए तो फिर आपको होलसेलर को कट कर देना, अपनी सिटी के होलसेलर के पास नहीं जाना, फिर आपको चले जाना है आपके इंपोर्टर के पास जहां से वो होलसेलर माल ले रहा है, और उसके बाद वहां से आपको बल्क में खरीदना है, और अपनी पूरी सिटी को और आसपास की सिटीज को भी आप कवर कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका अगर तरीका सही है तो आप 50-60% तक का प्रॉफिट मार्जिन यहां पर कमा सकते हैं, बट अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ इंपोर्ट करने में ही है तो आप एक चीज का ध्यान रखनी है, इंडिया में काफी सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं कि आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से अपने किसी भी प्रोडक्ट को और उसका बिजनेस इंडिया में कर सकते हैं, और साथ ही में वो ये भी आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैसे आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट होता है उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको यूट्यूब पे और गूगल पे काफी ज्यादा मिल जाएंगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं वीडियो के एंड में, अगर आप 10,000 से 15,000 रुपए में भी इस बिजनेस को शुरू करते हैं और आपका डेडिकेशन और हार्डवर्क काफी ज्यादा स्ट्रांग है ना, आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस करना और जान लगा देनी है, सो आप अच्छे लेवल पे इस बिजनेस को ले जाकर एक तरक्की कर सकते हैं और एक ब्रांड नेम के साथ में अपनी कंपनी भी बना सकते हैं। सो मैं जानता हूं दोस्तों ये जितना आसान है कहना उतना आसान ये करना तो नहीं होगा, क्योंकि आपको इस गर्मी वाली धूप में बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, बट जैसे जैसे आपके कस्टमर बनते जाएंगे आपका काम आसान और आपका प्रॉफिट ज्यादा होता जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करिएगा, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Tell me that you love me.